हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस जो लिखी है आर के नारायण ने। अब इस स्टोरी में सबसे पहले आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब मैं वन बाय वन इसे एक्सप्लेन करूंगी कि इस एक वर्ड से आपको क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहला वर्ड है ग्रामोफोन कंपनी कोलैप्स्ड, कि ग्रामोफोन कंपनी कोलैप्स्ड कैसे हुई थी। ये स्टोरी है रामा राव पे, जो कि कौन थे, मालगाड़ी एजेंट ऑफ ग्रामोफोन कंपनी। अब रामा राव के पास कुछ इनहेरिटेड पैसे थे जो कि उन्हें उनके फादर ग्रैंडफादर से मिले थे। वो सारे पैसे उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और फाइव इयर्स तक उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया अपने बिजनेस से और अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दी। उनके बच्चे बहुत बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। उनने एक बंगलो भी खरीदा था और अब वो एक न्यू कार बाय करने की सोच रहे थे। लेकिन अब एक दिन क्या हुआ, बैंक इन लाहौर क्रैश्ड। लाहौर का एक बैंक क्या हुआ, क्रैश्ड, जिसकी वजह से उनकी कंपनी भी क्या हो गई, कोलैप्स्ड। अब इस बैंक का क्रैश होने का रीजन क्या था, डेथ ऑफ अ फाइनेंसर। अब आपने याद रखना है कि फाइनेंसर की डेथ हुई कैसे थी। उसका रियल रीजन था कार एक्सीडेंट। फाइनेंसर की कार 300 फीट बिलो द रोड, मतलब खाई में जाके गिर गई थी, जिसकी वजह से फाइनेंसर की डेथ हो गई। लेकिन रूमर्स ऐसे फैल रहे थे, लोग ऐसी बातें बना रहे थे कि फाइनेंसर की वाइफ ने एक रात पहले ही कैशियर के साथ, इसी बैंक के कैशियर के साथ शादी कर ली और उसी वजह से फाइनेंसर ने क्या की है, सुसाइड, जो कि क्या था, झूठ था। बैंक तो हो गया था बंद, जिसकी वजह से कंपनी भी क्या हो गई, बंद। और इसका सारा नुकसान कौन झेल रहा था, रामा राव। अब रामा राव के पास और कोई चारा नहीं बचा था। रामा राव बहुत परेशान हो गया था कि ये सब कैसे हो गया। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि रामा राव जॉबलेस कैसे हुए। रामा राव के पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे, जिन पैसों से उसने अपना घर भी चलाना था और थोड़ा सा स्टॉक बचा था जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि रामा राव जिस बंगलो में रहता था वहां पे उन्होंने एक कुक रखा हुआ था। उनने उस कुक को भी आने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे कि वो उस कुक को भी दे सकें। और ऐसा ही फिर चलता गया। रामा राव के बच्चे जो बड़े स्कूल में पढ़ते थे अब वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे थे और फिर उनने अपने बंगलों को भी रेंट पे दे दिया और खुद वहां से चले गए और एक छोटे से घर पे रहने लगे। रामा राव था 40 ईयर्स का, जो कि कौन थे, बिजनेसमैन थे। अब बिजनेसमैन थे, उन्हें जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनके बात करने का तरीका भी अलग था। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, सीधा जाके बोल देते थे सबको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी कंपनी बंद हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आप मुझे जॉब दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सिर्फ इतना कह देने से तो कोई किसी को जॉब नहीं देता, इसीलिए रामा राव को भी जॉब नहीं मिल रही थी। और जो बंगलो उन्हें अपना रेंट पे दिया हुआ था वहां से जो पैसे आते थे उनसे वो अपना घर चलाते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए होती हैं, खाना कपड़े ये सब चीजें वो लेते थे। एक दिन क्या होता है, रामा राव जुबली रीडिंग रूम में जाते हैं और वहां पे उनकी नजर किस पे पड़ती है, जनरल पे, जिसपे क्या आती थी, क्रॉसवर्ड पजल्स, मतलब पहेलियां आती थी सॉल्व करने के लिए। और जो उन पहेलियों को सॉल्व करता था तो उसे 4000 का प्राइस मनी मिलता था। अब ये देख के रामा राव बहुत खुश हो गया कि मैं अगर ये पजल सॉल्व करूंगा तो मुझे 4000 रुपए मिल जाएंगे। जनरल का आप मतलब समझ लो कि मैगजीन, कि मैगजीन में ऐसी पहेलियां आती थी। रामा राव इन्हीं चक्रों में लग गए। घर पे बैठे बैठे भी वो बस यही बातें करते रहते थे, फॉर एग्जाम्पल टेलो और फेलो, या फिर मैड बैड सैड, जो कि कौन से वर्ड्स हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स के। आपने खुद भी ऐसी गेम्स खेली होंगी वर्ड बिल्डिंग टाइप, वहां पे ऐसे वर्ड यूज होते हैं और ये सारे वर्ड आपको बुक पे भी गिवन है।
अब ऐसा ही चलता गया, बहुत हफ्ते बीत गए और रामा राव क्रॉसवर्ड पजल्स पे ही लगे रहे। एक सोल्यूशन भेजने के लिए, मतलब क्रॉसवर्ड पजल का एक अटेम्प्ट करने के लिए 5 रुपए लगते थे। हर वीक रामा राव 5 रुपए ऐसे ही खर्च करने लगे, जबकि उनकी फैमिली भी उन्हें रोकती थी क्योंकि रिजल्ट कोई भी नहीं आता था, कोई प्राइज मनी रामा राव ने नहीं जीता। अब एक दिन क्या होता है, यही जनरल 8,000 रुपीज का प्राइस मनी अनाउंस करते हैं, जो सुन के रामा राव खुशी से पागल हो जाता है कि अब ये प्राइस मनी तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब रामा राव ने क्या किया, 8,000 प्राइस मनी जीतने के लिए 4 एंट्रीज भर दी। एंट्रीज का क्या मतलब है, सोल्यूशन, मतलब 4 सोल्यूशन भर दिए। एक सोल्यूशन था 5 रुपए का, अब रामा राव ने कितने भर दिए, 4 सोल्यूशन, मतलब पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, जबकि उनकी वाइफ उन्हें रोक रही थी कि ये 5-5 रुपए करके जो आप खर्च कर रहे हो ये मत करो, क्योंकि हमने अपना घर भी चलाना है। लेकिन रामा राव का सारा ध्यान किस पे था, पहेलियों में, कि बस मैं पहेलियां सॉल्व कर लूं। वही पहेलियों की बातें बैठे बैठे वो बोलने लगे, मैड बैड सैड, जो कि किसके वर्ड्स थे, क्रॉसवर्ड पजल्स के। अब 4 एंट्रीज भरने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, रामा राव कोई प्राइस मनी नहीं जीते। इतनी बार हारने के बाद रामा राव अपनी हिम्मत भी हार चुके थे और फिर उन्होंने क्या किया, सुसाइड करने का फैसला, कि अब मैं और परेशानियां नहीं झेल सकता, मैं अब सुसाइड करूंगा। और फिर रामा राव चले जाते हैं रेलवे स्टेशन और वहां जाके पटरी पे लेट जाते हैं। अब वहां लेटे लेटे रामा राव कहते हैं कि बस अब 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। अब वहां लेटे काफी टाइम हो जाता है, रामा राव वहां से उठते हैं और वापस प्लेटफॉर्म में आते हैं जहाँ पे काफी रश होता है। वहां के एक इंसान को रामा राव पूछते हैं कि आज ट्रेन को क्या हुआ है, और तब उन्हें पता चलता है कि आज ट्रेन 3 घंटा लेट है। ये सुन के रामा राव बहुत रोने लगते हैं और कहते हैं कि गॉड यू हैव शोन मी मर्सी, और वहां से वो चले जाते हैं वापस अपने घर पे। घर पे जब वो पहुंचते हैं तो वो ये इंसिडेंट किसी को नहीं सुनाते, और जब खाना खा रहे होते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि जिस किराएदार को हमने अपना बंगलो रेंट पे दिया हुआ है वो हमारा बंगलो खरीदना चाहता है। तो रामा राव कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारा बंगलो खरीदेंगे, और वो किराएदार उसके पैसे भी अच्छे दे रहा होता है, तो वो अपना बंगलो बेचने का डिसाइड कर लेते हैं। और रामा राव अपनी वाइफ को कहते हैं कि मुझे सिर्फ 500 रुपये दे देना, बाकी सारे पैसे आप खुद रखना और घर सही से चलाना। तो रामा राव की वाइफ कहती है कि आप फिर से इन 500 रुपये से वो पजल्स खेलोगे? तो रामा राव कहते हैं कि नहीं, मैं ये 500 रुपये लेके मद्रास जाऊंगा और वहां जाके अपने लिए नौकरी ढूंढूंगा। अब आपने सिर्फ ये एक एक पॉइंट याद रखना है, जिससे आपको याद आ जाएगी कि मैंने एक पॉइंट को लेके आपको क्या स्टोरी बताई थी, और इस स्टोरी का क्या मॉरल निकलेगा, कि हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना चाहिए, जैसे गलती रामा राव ने की थी कि जब उस पे परेशानियां आ गई तो वो क्रॉसवर्ड पजल के चक्कर में पड़ गए कि मैं बस जल्दी से पैसे कमा लूं, जो कि गलत चीज थी। इसीलिए चाहे रियल लाइफ में भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हार्ड वर्क करके, मेहनत करके उसे सॉल्व करना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज रामा रावस बिजनेस, हाउ डिड इट कोलैप्स? रामा राव वर्कड इन अ ग्रामोफोन कंपनी एंड द फाइनेंसर ऑफ द बिजनेस डाइड इन एन एक्सीडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसर की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, लेकिन सब लोग क्या कह रहे थे कि फाइनेंसर ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसकी वाइफ ने एक रात पहले ही कैशियर के साथ शादी कर ली थी जो कि उसी बैंक का था, बिकॉज ऑफ विच बैंक कोलैप्स्ड। और ये जो फेक न्यूज़ फैल गई हुई थी कि उसने सुसाइड कर ली है, इस वजह से बैंक कोलैप्स्ड हो गया एंड रामा राव लॉस्ट हिज जॉब। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन हिम एंड हिज फैमिली? ही वॉज लेफ्ट विदाउट वर्क एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयरिंग हिज फीट आउट। अब वो यहाँ से वहाँ पैदल जा जा के अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था,
दे लीव देयर बंगलो एंड वेंट टू लिव समवेयर एल्स। उन्हें अपना बंगलो भी छोड़ दिया था, रेंट पे दे दिया था और खुद कहीं छोटे घर में रहने लग गए। चिल्ड्रन वर सेंट टू एन ऑर्डिनरी स्कूल। जब उनके पास पैसे थे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ते थे। अब पैसे नहीं हैं तो वो भी नॉर्मल स्कूल में उन्होंने डाल दिए। ही लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली ऑन द मनी दैट वॉज इन द बैंक बट नाउ फैमिली फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्श डेज। रामा राव ने अपने सारे पैसे सेव करके कहाँ रखे थे? उस बैंक में जो कि कोलैप्स हो गया था। और वो कहाँ था बैंक? लाहौर में, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द स्टॉक रेफर टू इन लाइन 13? अब आप अपनी बुक खोलो और वहाँ पे 13 लाइन तक काउंट करो। 13 लाइन में दिया हुआ है, देर वॉज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड, कि उसके पास बस थोड़े ही पैसे बचे हुए थे और उसके हाथ में जो स्टॉक था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखो, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप भी ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, जिससे आपकी ये ऊपर वाली लाइन फुल डिफाइन हो जाएगी। स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली। अब हमने स्टोरी में तो पढ़ा है कि उसके पास जो थोड़ा बहुत स्टॉक था वो भी ख़त्म हो रहा था। द प्राइसिस वर गोइंग डाउन एंड ही हैड फ्यू हंड्रेड रुपीज लेफ्ट। अब उसके पास थोड़े से पैसे बच गए हुए थे। क्वेश्चन फोर, व्हाई डिड रामा राव वरी लेस अबाउट हिज फैमिली आफ्टर ही केम अक्रॉस द कैप्टन? रामा राव स्पेंट अ लॉट ऑफ हिज टाइम डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स होपिंग दैट ही विल विन सम मनी। हिज होप वॉज टू अर्न प्राइजेज एंड बी एबल टू सपोर्ट द फैमिली well. The general captain had declared a prize of rupees 8,000. अब एक दिन general captain ने prize money declare किया कि 8,000 rupees दिए जाएंगे. Again he was tempered. Tempered का मतलब है जो कि unnecessarily चीजों में लोग लगे रहते हैं, जिसका कोई भी use नहीं होता. But no result came in his favor. अब वो puzzle solve करने के पीछे लगा रहा, जिसकी वजह से उसने time waste किया, पैसे वेस्ट किए और एंड में रिजल्ट भी कोई नहीं आया। क्वेश्चन फाइव, व्हाई डिड रामा राव डिसाइड टू सेंड इन एटलीस्ट 4 एंट्रीज फॉर द स्पेशल ऑफर ऑफ क्रॉसवर्ड कंपटीशन? अब जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि जनरल पहले 4,000 रुपीस देते थे क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए। अब एक दिन उन्होंने अचानक से 8,000 रुपीस का इनाम रख दिया, जिससे रामा राव खुशी से पागल हो गया कि मैंने ये प्राइस मनी अब जीतना ही जीतना है। रामा राव ने अपने पैसे भी लगा दिए और उसने 4 एंट्रीज मतलब 4 सॉल्यूशंस एक ही क्वेश्चन के भेजे कि कम से कम मेरा एक आंसर तो ठीक आएगा ही और मैं ये प्राइस मनी जीत जाऊंगा। रामा राव वॉज आउट ऑफ वर्क बट ही वॉन्टेड टू अर्न मनी सो ही स्टार्टेड सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स इन द जनरल कॉल्ड कैप्टन। यूजुअली द मैगजीन ऑफर्ड 4,000 रुपीज एज फर्स्ट प्राइज फॉर द करेक्ट सोल्यूशन बट वन डे द जनरल अनाउंस्ड अ स्पेशल प्राइज ऑफ 8,000 रुपीज। रामा राव डिड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस प्राइज but he was doubtful about 4 outcomes to 1 solution so he sent 4 entries with different answer so that at least 1 solution would be correct and he could win the cash prize of 8,000 rupees. Question 6, why did Rama Rao plan to go to Madras? Rama Rao decided to go to Madras in order to get some job and earn some extra money only to do more for his family. वो बस और पैसे कमाना चाहता था अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। Question 7, what made Rama Rao believe that God had shown him mercy? In the evening, instead of going home, he moved to railway station and he lay across the lines and he was happy that in 10 minutes the train would be arriving. अब वो रेलवे स्टेशन में जाके पटरी में लेट गया था कि 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। बट आफ्टर सम टाइम ही रोज एंड वॉक्ड बैक टू द स्टेशन। कुछ देर वेट करने के बाद रामा राव वहाँ से उठा और वापस स्टेशन पे गया। ही आस्क्ड समवन व्हाट हैपेंड टू द ट्रेन एंड देन समवन टोल्ड हिम दैट टुडे ऑल द ट्रेन्स विल बी एट लीस्ट 3 आवर्स लेट।
Rama Rao cried and said that God, you have shown me mercy. अब इस इंसिडेंट से रामा राव को रियलाइज हुआ कि भगवान उसके साथ ही हैं. क्वेश्चन 8. हाउ डिड रामा राव अल्टरनेट बिटवीन होप एंड डिसअपीयर. रामा राव अल्टरनेटेड बिटवीन होप. होप का क्या मतलब है इधर? व्हेन ही वुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर क्रैकिंग अ क्रॉसवर्ड पजल टू अर्न मनी. अब उस टाइम रामा राव को होप थी कि वो क्रॉसवर्ड पजल से पैसे कमा सकता है. एंड डिसअपीयर व्हेन ही फेल टू विन इट. डिसअपीयर का मतलब होता है जब हमें कोई भी होप नहीं होती, कि हम होपलेस होते हैं. और रामा राव होपलेस कब हुआ? व्हेन ही फेल टू विन द प्राइस मनी. तो आज हमने पढ़ी शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.